नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर की श्रृंखला में हम खेल के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से खेल में किसने किसने क्या क्या जीता है, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रैंड स्लैम मतलब लॉन टेनिस, इसमें हम देखेंगे पुरुष एकल में कौन कौन जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में हम देखेंगे 2018 में तो रोजर फेडरर ने जीता है, और फ्रेंच ओपन हम 2018 देखें तो फिर राफेल नडाल ने जीता है, और विंबलडन ओपन देखें तो नोवाक जोकोविक ने जीता है, और यूएस ओपन 2017 का ही है, इसको राफेल नडाल ने जीता है। अपने कहे गए वक्तव्य के अनुसार आज इस वीडियो में आज मैं किसी एक देश के बारे में, उसके भूगोल के बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो आइए देखते हैं कौन सा वो देश होगा। तो वो देश रहेगा रसिया, आगे भी बताऊँगा मैं, चर्चा करूँगा उसके बारे में। तब तक आइए महिला एकल देख लेते हैं। तो महिला एकल देश में हम देखें ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 को किसने जीता है, तो कैरोलिन विजियोनियार्क ने जीता है, और फ्रेंच ओपन किसने जीता है, सिमोना हालेप ने जीता है, ये भी याद रखिएगा। विंबलडन 2018 को किसने जीता है, एंजेलिक कर्बर ने जीता है। यूएस ओपन 2017 का ही, इसको किसने जीता है, स्लोएना स्टीफेंस ने जीता है, इसको याद रखिएगा। फीफा विश्व कप 2018 शुभंकर जी है, इसका जावी वाका जो एक भेड़िया है, ये 14 जून से 15 जुलाई के मध्य में फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया था। ये रूस के विभिन्न शहरों में आयोजित हुए हैं। तो जैसा मैंने बताया है, आज हम रूस के बारे में देखेंगे, रूस के भूगोल वगैरह जो भी फेमस चीज़ें हैं उसके बारे में देखेंगे। तो ये देखते हैं रूस के बारे में। तो ये मैप बना हुआ है रूस का, तो आप लोग चाहें तो इसको बना लीजिए, वैसे मैंने विश्व भूगोल में इसके बारे में बताया है। आइए देखते हैं रूस के बारे में। कोई भी देश पढ़िए उससे पहले, सबसे पहले उसकी वाटर बॉडीज़ को ज़रूर देखिए कि आसपास कौन सी वाटर बॉडीज़ वगैरह हैं। तो रूस की बात हम करेंगे तो रूस के सबसे नीचे से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले पड़ता है कैस्पियन सी, जो एक लैंड लॉक सी है। उसके बाद में यहाँ पे है ब्लैक सी, इसमें भी और मैं आपको डीप में बताऊँ तो ये जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी में यहाँ पर पड़ता है अजोब सी, और ब्लैक सी और अजोब सी के बीच में एक जलसंधि जिसको बोलते हैं केरिज जलसंधि। ये जो आपको दिख रहा है ये क्रीमिया प्रायद्वीप, तो इसको भी हल्का से याद रख लीजिए। इसी के ऊपर यूक्रेन है, जो पहले यूक्रेन का हिस्सा था, रूस में है, हल्का से याद रखिएगा। तो काला सी के ऊपर हम देखेंगे तो ऊपर आ जाएगा बाल्टिक सी, ये याद रखिए बाल्टिक सी, और छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है ये है फिनलैंड की खाड़ी। ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो वैसे तो रूस के ऊपर पूरे हम देखेंगे तो क्या है, ये आर्कटिक महासागर है, लेकिन आर्कटिक महासागर में भी छोटे छोटे सागर स्थित हैं जो रूस के ऊपर स्थित, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए यहाँ पे एक सागर जिसको बोलते हैं सफ़ेद सागर, सफ़ेद सागर के बाद यहाँ पे कारा सागर, कारा सागर के बाद यहाँ पे लेप्टस सागर, लेप्टस सागर के बाद पूरी साइबेरियन सागर, पूर्वी साइबेरियन के बाद चुक्की सागर, उसके आगे फिर बिफोर्ट सागर आएगा, खैर उसको हमें अभी इसमें नहीं देखना है। तो उसके नीचे देखेंगे तो बेरिंग सागर, दरअसल यहाँ पर आप जान रहे होंगे इस तरफ हम देखेंगे तो शुरू हो जाता है उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका और इसके बीच में हम देखेंगे तो बेरिंग जलसंधि पड़ती है, मतलब एशिया और उत्तर अमेरिका के बीच में बेरिंग जलसंधि पड़ती है, इसलिए यहाँ पे एक सागर भी उसी नाम से इसको बोलते हैं बेरिंग सागर। नीचे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे सागर है ओखोस्टक सागर, और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जापान सागर। मैप में आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, और भी आसपास के चीज़ों में बता दूँ तो आपको नीचे की तरफ देशों की बात करें तो इस तरफ तो यहाँ पर पड़ेगा जापान, इस तरफ ये जो दिख रहा है मंगोलिया है, उसके नीचे ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है ये है चीन, और उसके ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो कजाकिस्तान पड़ेगा, और इस तरफ हम देखेंगे तो बाल्टिक स्टेट पड़ेंगे, ऊपर आप देखेंगे तो फिनलैंड वगैरह पड़ता है। तो ये आदि देश यहाँ पे पड़ते हैं, तो इनको हल्का सा दिमाग में रखिएगा। आइए प्रायद्वीप की भी मैं चर्चा कर लूँ, कौन कौन से प्रायद्वीप हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कोला प्रायद्वीप, ये कौन सा प्रायद्वीप है, कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप है ये, कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप में एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं मरमास्क बंदरगाह, काफ़ी फेमस बंदरगाह है। दरअसल इस तरफ हम देखेंगे, इस तरफ से आती है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, जो नॉर्वेजियन की जलधारा भी आगे कहलाती है, इसकी वजह से ये क्या है, वर्ष भर ये बंदरगाह क्या रहता है, खुला रहता है। और आप देख रहे होंगे ये द्वीप है जिसको बोलते हैं नोया जमेलिया, नोया जमेलिया जो है यूराल पर्वत का एक्सटेंशन है, जैसे हिमालय का एक्सटेंशन कौन है, अंडमान निकोबार, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे छोटा सा यमल प्रायद्वीप है, खैर खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और आइए हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आप देख रहे हैं ये जो प्रायद्वीप दिख रहा है इसको बोलते हैं कमचटका प्रायद्वीप, और जो आप द्वीप दिख रहे हैं ये इसको बोलते हैं सखालिन द्वीप। तो ये जो दिख रहा था नोया जमेलिया था, इसको भी हल्का दिमाग में रखिएगा। तो आइए हम और बात करते हैं, नीचे मैंने बता ही दिया, आइए देखते हैं और यहाँ की क्या क्या खासियत है। तो यहाँ पर झीलों की बात करेंगे
सकते हैं कि रूस की तीन प्रमुख झीलें हैं, जिनमें से एक है लेक लगोडा, दूसरी है लेक ओमेगा और तीसरी है बैकॉल। एक लेक लगोडा है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, लगोडा झील दिखी हुई है, दूसरी है लेक ओमेगा और तीसरे आप देखेंगे तो बैकॉल झील है। पर वह स्टेडियम की बात करेंगे, दरअसल एक मैं बात और बता दूं कि पूरे रूस को छः टाइम जोन में बांटा गया है और यहाँ ये रूस ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, जैसे टर्की वगैरह भी यूरोप एशिया में, इसलिए इसको यूरेशिया देश बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे ये इसका जो ये यूराल पर्वत है, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। इस तरफ का हिस्सा कहलाता है यूरोप और इस तरफ का हिस्सा कहलाता है एशिया। एशिया का ये हिस्सा साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे पर्वत श्रेणी जो आप देख रहे हैं यूराल, ये काफ़ी पुरानी पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊँची चोटी नरोदनया है। यहीं पर एक और पर्वत श्रेणी देखेंगे तो यहाँ पर एक और पर्वत श्रेणी पड़ती है जिसको बोलते हैं वल्दाई हिल्स। वल्दाई हिल्स से वोल्गा नदी निकलती है, काफ़ी फेमस नदी है। और वोल्गा नदी की दो सहायक नदियाँ हैं, एक ओका एक कामा। ओका कामा ये वोल्गा की सहायक नदियाँ, हल्का दिमाग में रख लीजिएगा। और यहाँ पे नदियों की बात करेंगे तो यहाँ पे एक और फेमस नदी जिसको बोलते हैं ओब नदी। ओब नदी की बात करेंगे, वैसे ओब और इरतिस दो नदियाँ हैं, इस तरफ से आती है ओब नदी और एक ये जो दिख रही मेन नदी इरतिस नदी। तो ओब और इरतिस नदियाँ काफ़ी फेमस हैं। इरतिस निकलती है अल्ताई चीन से निकलती है, और इसको हल्का दिमाग में आप रख सकते हैं ओब और ओब एवं इरतिस। वैसे आप देखेंगे तो मैंने इसको बताया है ओब और इरतिस दो नदियाँ हैं, इनको हल्का दिमाग में रख लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक और यहाँ पे नदी बनी हुई जिसको बोलते हैं येनेसी नदी। येनेसी नदी निकलती है सयान पर्वत श्रेणी से। सयान पर्वत श्रेणी दरअसल देखेंगे तो मंगोलिया की सीमा पर पड़ती है, मतलब रूस और मंगोलिया की सीमा पर पर्वत के बॉर्डर पर पड़ती है। इस क्षेत्र में यहाँ पे आदिवासी रहते हैं, मतलब यहाँ की जनजाति जिसको बोलते हैं टूवन, हल्का सा दिमाग में रख लीजिएगा टूवन जनजाति, जो चंगेज खान के वंशज भी हैं। और ये भी याद रखिएगा ये नदी की दो धाराएं हैं, एक तो निकलती है बैकाल झील से, एक निकलती है सयान से। खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हल्का दिमाग में रखेगा। दूसरी नदी है लीना नदी। लीना नदी की खासियत यही है कि बैकाल झील से निकलती है, बैकाल झील जो विश्व की सबसे गहरी झील भी है, इसको हल्का दिमाग में रखेगा। यहीं पे जो आप ओब इरतिस मैंने अभी बताया है, यहाँ पे क्या होता है कि इस तरफ से पानी जो होता है वो तो नदियाँ ऑटोमेटिक निकालती रहती हैं, लेकिन ठंडियों के मौसम में ये वाला क्षेत्र क्या होता है, बर्फ़ से जम जाता है। तो मुहाना जम जाने के कारण पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ, पानी इसी क्षेत्र में जमा हो जाता है और एक दलदल का निर्माण हो जाता है, उस दलदल को बोलते हैं वासेगुनिया दलदल, हल्का से दिमाग में रख लीजिएगा। और यहाँ पे शहरों की बात करें, शहर तो यहाँ पे बहुत सारे फेमस है। उफा देखेंगे तो वो भी फेमस शहर है। और यहाँ पे मास्को देख लीजिए, सेंट पीटर्सबर्ग, व्लाडिवोस्टक, यस्नोवास्क, बहुत सारे फेमस चीटा है, तो बहुत सारे फेमस शहर हैं। यहीं पर आप देखेंगे तो पड़ेगा सेंट पीटर्सबर्ग, और सेंट पीटर्सबर्ग का ही पुराना नाम लेनिनग्राद, वहीं से ले करके यहाँ से इस तरीके से व्लाडिवोस्टक तक एक देखेंगे तो रेलवे लाइन बिछी हुई जिसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग, तो इसको हल्का सा दिमाग में रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसकी शाखाओं को हम देखेंगे तो एक शाखा इसकी बीजिंग जाती है, एक शाखा मंगोलिया जाती है, और एक शाखा इसकी जो है वो उत्तर कोरिया को भी जाती है, इसको हल्का सा दिमाग में रख लीजिएगा। और मैं बॉर्डर बॉडीज़ की बात करूँ तो आप जैसे मैंने बताया है कि इस तरफ क्या है, ये आप देख रहे हैं सखालिन द्वीप है। सखालिन द्वीप के जस्ट ऊपर देखेंगे तो शुरू हो जाता है जापान, और जापान का द्वीप है जिसका नाम है होकाइडो। उसके बीच में यहाँ पे एक तत्तर जलसंधि भी है, हल्का दिमाग में रख लीजिएगा। खैर अभी जापान जब मैं बताऊँगा तो उसके बारे में बताऊँगा। और फेमस इतनी ही याकूट्स, यहाँ बहुत सारे फेमस शहर हैं। तो इसके बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरा रूस का वीडियो देखिएगा। तो फिलहाल आइए देखते हैं जो हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे थे, करंट अफेयर के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं फीफा विश्व कप 2018 हुआ कहाँ है, रूस के विभिन्न शहरों में आयोजन किया गया है इसका, और विजिट टीम कौन सी है, फ्रांस है जिसने क्रोएशिया को हराया है, और फीफा प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया, स्पेन को दिया गया, गोल्डन बॉल किसको दिया गया, लुका मॉड्रिक को दिया गया, यह कप्तान है क्रोएशिया के। फिर हम देखेंगे फीफा फुटबॉल विश्व कप में पहली बार शामिल टीमें कौन कौन सी, पनामा और आइसलैंड। इन दोनों की भी मैं खासियत बता दूँ, पनामा मध्य अमेरिकी देश है, इसकी राजधानी पनामा सिटी है, एम्बेरा जनजाति यहीं की है। और आइसलैंड की खासियत बता दूं, आइसलैंड हिस्सा है यूरोप का, और ये पड़ता है अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में, मतलब उत्तरी अटलांटिक में पड़ता है, और ये चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है, और इसकी राजधानी रेक्यावक है जो सबसे उत्तरतम राजधानी भी है। तो और यहाँ पर बहुत सारी वेलकनो एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं IPL 11 जो हुआ है, 2020 टूर्नामेंट 2018
इसका प्रायोजक वीवो है। और कौन जीता इसमें? चेन्नई सुपर किंग जीती है। मैन ऑफ द मैच शेन वाटसन को दिया गया है। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है? सुनील नारायण है। ऑरेंज कप किसको दिया गया है? ऑरेंज कप दिया गया केन विलियमसन, सर्वाधिक रन बनाए हैं सनराइजर हैदराबाद में। और पर्पल कैप किसको मिला है? एंड्रयू स्टाई को, सर्वाधिक विकेट लेने के लिए। किंग्स इलेवन पंजाब के हैं। सबसे महंगे खिलाड़ी देखेंगे तो इंग्लैंड के बेन स्टोक हैं। और भारतीय खिलाड़ियों में सबसे महंगे कौन हैं? जयदेव नाटकट हैं। और इसमें आपको हल्का सा कन्फ्यूजन हो सकता है, सबसे महंगे और मूल्यवान, मूल्यवान मतलब उनकी वैल्यू, सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी सुनील नारायण रहे और सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? इंग्लैंड के बेन स्टोक हैं, वैसे बेन स्टोक हैं। 23वें शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजन किए गए हैं? इनका आयोजन दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में किया गया है। और इनका शुभंकर कौन है? सफ़ेद चीता है, जो है सुहोरांग है। शीर्ष स्थान नॉर्वे को मिला है। शीतकालीन ओलंपिक में दो भारतीय खिलाड़ियों को अर्हता प्राप्त की थी, वो कौन कौन से हैं तो उन्होंने देख लें, शिवा केसवन है और जगदीश सिंह हैं। और शिवा केसवन ल्यूज एथलीट हैं और जगदीश सिंह क्रॉस एंट्री स्कीयर हैं। और नेक्स्ट कहाँ होगा? बीजिंग में 2022 में होगा, हल्का दिमाग में रख लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 12वें शीत पैरालंपिक खेल का आयोजन भी वहीं किया गया, प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में किया गया। शीर्ष स्थान अमेरिका को मिला है, इसको हल्का दिमाग में रख लीजिएगा। अगर टेनिस की बात करते हैं, कौन कौन से खेल हैं, तो हाफ मैन कप स्विट्जरलैंड को मिला है, डेविस कप फ्रांस ने जीता है, रोम मास्टर राफेल नडाल, हाफ मैन कप रोजर फेडरर ने जीता है और कतर ओपन गेल मोना मोनफिल्स को मिला है, फ्रांस के हैं। अगर क्रिकेट की बात करते हैं, एक पारी में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड पुरुष में किसने बनाया? इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बनाया, 481 रनों का लक्ष्य था, इसको याद रखिएगा। फिर है महिला T20 एशिया कप 2018 विजेता बांग्लादेश, उप विजेता भारत। और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक टीम स्कोर न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने बनाया है, 490 रन बनाया है। यह पुरुष और महिला एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक टीम है, क्योंकि देखिए पुरुष ने तो 481 बनाए थे, महिलाओं ने 490 बना दिए। आइए देखते हैं फिर निधास ट्रॉफी है, निधास ट्रॉफी को हम देखेंगे तो ये त्रिकोणीय ट्रॉफी है। त्रिकोणीय का मतलब एक तरफ भारत, बांग्लादेश और तीसरी तरफ हम देखेंगे तो कौन है? श्रीलंका है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? कोलंबो श्रीलंका में। और टीमें भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश हैं। और इसमें देखेंगे तो श्रीलंका की स्वतंत्रता के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। विजेता भारत है, उपविजेता बांग्लादेश है, इसको हल्का दिमाग में रखिएगा। फिर ईरानी कप, ईरानी कप किसने जीता है? ईरानी कप जीता है विदर्भ ने 17-18 का। देवधर ट्रॉफी इंडिया बी ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। और ICC अंडर 19 विश्व कप किसने जीता है? भारत ने जीता है, जिसके कप्तान पृथ्वी शाह हैं और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जैसन संघा है, जो विजेता है। रणजी ट्रॉफी विजेता विदर्भ है। SS श्रृंखला 2018 में विजेता ऑस्ट्रेलिया है, हल्का दिमाग में रख लीजिएगा। फिर देखेंगे विजडन 2018 संस्करण, ये क्रिकेट की बाइबिल के नाम जाना जाता है, 155वां संस्करण है ये। और विजडन पत्रिका के आवर्ण पृष्ठ पर प्राप्त स्थान किसको मिला है? अन्या स्वरूप सोले को मिला है, या इंग्लैंड की हैं, या स्थान पाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर हैं, हल्का से दिमाग में रखते रहिए। इसके पुरस्कार में देखते हैं, द लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड विराट कोहली को मिला है, द लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड मिताली राज को दिया गया है, द लीडिंग T20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड राशिद खान को दिया गया है, गेंदबाज हैं अफगानिस्तान के। फिर आइए देखते हैं विजडन इंडिया अल्मानैक 2018, विजडन इंडिया क्रिकेट ऑफ द ईयर 2017 KL राहुल को दिया गया है, दीप्ति शर्मा हैं, प्रियंका पंचाल हैं, हसन अली हैं, तमाम इकबाल पाकिस्तान के, हसन अली पाकिस्तान के, तमाम इकबाल बांग्लादेश के हैं। ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर की सूची थी। तो आइए देखते हैं, वर्ष का सबसे सफल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर विराट कोहली को दिया गया, बताया गया है। और विजडन इंडिया हॉल ऑफ फेम शांता रंगस्वामी महिला क्रिकेटर हैं, और इरायली प्रसन्ना को दिया गया है, भारत के ही हैं। खैर तो इसमें फिर वीडियो में बस इतना ही, तो आगे क्रिकेट मतलब कि खेल से संबंधित और एक वीडियो आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।